नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते 11 महीनों के लंबे अंतराल के बाद रेवाड़ी में बंद पड़े स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है। शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालकों को गाइडलाइन जारी कर जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए तीसरी से पांचवी कक्षाओं को लगाने की अनुमति प्रदान की है। रेवाड़ी में पहले दिन इन कक्षाओं में लगभग 50% से बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई। पहले दिन स्कूलों में स्कूल संचालक और बच्चे जारी गाइडलाइन की अनुपालना करते नजर आए। इस संदर्भ में स्कूल प्रबंधन की माने तो 11 महीने के लंबे अंतराल के बाद तीसरी से पांचवी कक्षाओं को लगाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए ये प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में एंट्री से पूर्व बच्चों की थर्मल स्कैनिंग के साथ पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। इसी के साथ वॉशरूम के बाहर भी एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई है कि वो वॉशरूम उपयोग करने के बाद सभी बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवाएं। कोई भी बच्चा अपना लंच और वाटर बोतल किसी के साथ साझा नहीं करेगा और क्लासरूम में ही टीचर की उपस्थिति में लंच करेगा। विभाग द्वारा स्कूलों का समय सुबह 10 से 1:30 बजे तक ही रहेगा। तीसरी कक्षा से नीचे वाली कक्षाओं के बच्चों के लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। क्या कहेंगे कि आज 11 महीने के लंबे अंतराल के बाद कोविड-19 के कारण से स्कूल खोले तीसरी से पांचवी कक्षा, किस प्रकार गाइडलाइन की अनुपालना की जा रही स्कूल में? स्कूल में हरियाणा सरकार के द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइन है उसका हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे और कर भी रहे हैं। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का स्पेशल ध्यान रखा जा रहा है और थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और एक ही बेंच पे एक ही बच्चा बिठाया जा रहा है और वाटर बॉटल और लंच बच्चे शेयर नहीं करेंगे। वैसे तो बच्चे सुबह नाश्ता करके आते हैं और फिर भी अगर कोई लाता है तो शेयर नहीं करेगा। क्या बच्चों के पेरेंट्स की भी अनुमति है? और बिन बच्चों को जो स्कूल भेजा गया है तो सभी बच्चों से पेरेंट्स का लिखा हुआ मतलब जो परमिशन लेटर है वो लिया गया है, सहमति पत्र, ताकि आराम पेरेंट्स भी खुश हैं ताकि हम बच्चों को स्कूल भेज सकें और हमने भी सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पूर्ण रूप से पालन करते हुए बच्चों को किया। हालांकि रेवाड़ी कोरोना मुक्त हो गया है, फिर भी कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसे के अंदर आगे क्या प्रक्रिया जारी रहेगी इसी तरीके से, और कितने परसेंट बच्चे अब आ रहे हैं? आज फर्स्ट डे था, काफ़ी मात्रा में बच्चे आए हैं और जहाँ तक कोरोना मुक्त रेवाड़ी है इस बात से हम सहमत हैं। फिर भी जब तक बिल्कुल हरियाणा में या ऑल इंडिया में कोरोना मुक्त नहीं होता तब तक हर बच्चा मास्क भी डालेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे, थर्मल स्कैनिंग भी करेंगे और सैनिटाइज भी करेंगे हाथ। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद आज स्कूल खोले गए तीसरी से पांचवी कक्षाओं के लिए। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है एहतियात के तौर पर। किस प्रकार एहतियात बरती जा रही है स्कूल? देखिए, जो भी हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है कोविड के बारे में, ये विद्यालय पूरी तरह से उनके अनुपालना में लगा हुआ है। बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइज कराना और यहाँ पर अपने टॉयलेट वगैरह की समुचित व्यवस्था, उसके अंदर टॉवल लगाना, उसके अंदर साबुन रखना, ये सब व्यवस्था हमने की हुई है। और मैं तो इस विषय में अपने हरियाणा के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि अभिभावक भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो चाहते थे स्कूल खुलें, बच्चे घर पर शरारत करते थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे, बच्चे जो है शरारती स्वभाव के होने लगे थे। तो अभिभावकों के दिमाग में ये बात थी कि हम जल्दी से जल्दी बच्चों को स्कूल में भेजें और हरियाणा सरकार ने जो ये निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब इनको पहली क्लास से भी स्कूल खोल देने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल कि बच्चों को भेजने के लिए क्या पेरेंट्स की भी अनुमति साथ आ रही है? बिल्कुल, हम जो भी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनके पेरेंट्स से लिखवा करके ले रहे हैं कि भाई हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम अपने बच्चों को स्वेच्छा से स्कूल में भेज रहे हैं। थैंक यू।